नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश वर्क बुक में राइट दिस नेम्स इन इंग्लिश, हिंदी लिखी हुई है उनकी इंग्लिश में मीनिंग बनानी है। हमने पारक भी लिखी थी आगे, उस पारक भी को अकॉर्डिंग रखते हुए अब हम ये मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले ये बताना है मनु, मनु M A N U मनु। नंबर दो सोहन, S O H A N सोहन। नंबर तीन महाराणा, M A H A महाराणा, R A N A महाराणा। मीनिंग नंबर फोर मेवाड़, M E W A R M E W A। नंबर फाइव राजपूत, आर ए जे राज पी यू टी पुत। आबू, ए बी यू आबू। मीनिंग नंबर सात ताज महल, टी ए जे एम ए एच ए एल ताज महल। यमुना, वाई ए एम यू एन ए यमुना। और वर्क है आपका जो आपको नहीं करना है और आपको एक्सरसाइज नंबर थ्री मानना है, उसमें एक ऐसे क्वेश्चन है जैसे लिखा है मीनिंग के जस्ट पीछे सी एच एस एस एक्स ओ और एस ए उनके पीछे बहुवचन बनाते समय ई एस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? ई एस। उसी प्रकार से मीनिंग नंबर वन वॉच, वॉच का मतलब है घड़ी, वॉच का मतलब है घड़ी। तो अभी ये सी एच है तो क्या लगेगा ई एच, तो क्या लगेगा डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस वॉचेस यानी घड़ियां। क्या बनेगा? घड़ियां यानी कि अभी बहुत सारी घड़ियां। उसी क्लास क्लास कक्षा क्या लगेगा कक्षा, एस एस ए ई एस लगेगा। क्या बनेगा? क्लासेस सी एल ए एस एस ई एस कक्षाएं। क्या हुआ? कक्षाएं। मीनिंग नंबर तीन फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी, फॉक्स यानी लोमड़ियां है ना, लोमड़ी। फॉक्स यानी लोमड़ियां। फोर अम्ब्रेला, इसके पीछे क्या लगेगा? खाली एस, यू एम बी आर ई एल एल ए एस अम्ब्रेला यानी छाते। शर्ट कमीज, छाता शर्ट यानी कमीज है ना, एक कमीज अनेकों कमीज, लेकिन एस एच आई आर टी एस शर्ट यानी कमीजें। ओके, वॉच घड़ी, वॉचेज यानी घड़ियां, क्लास यानी कक्षा, क्लासेज यानी कक्षाएं, फॉक्स यानी लोमड़ा, फॉक्सेज यानी लोमड़ियां, अम्ब्रेला यानी छाता, अम्ब्रेला यानी बहुत सारे छाते, शर्ट यानी कमी, शर्ट यानी कमीजे। यूज एस ई एस और वी ई एस टू मेक द प्लूरल, शब्द के पीछे एस ई एस या वी एस लगता है तो क्या प्लूरल बनता है? किसके पीछे लगेगा? जैसे मैंगो ओ है, इसके पीछे एस लगेगा, मैंगोज, ई एस लगेगा तो मैंगोज अनेका, मैंगो यानी आम, मैंगोज यानी अनेका। थिप टी एच आई ई एफ थिप, थिप यानी चोर। एफ ये हटकर ई एफ हटकर लगेगा वी ई एस, क्या लगेगा? वी ई एस थिप्स यानी चोर, अनेक चोर। ड्रेस डबल एस है, ई एफ है, जैसे उसके पीछे लगेगा डबल एस है तो यह क्या लगेगा? पोशाक, ड्रेस यानी पोशाक, ड्रेस है, ई एस लगेगा पोशाक है। ओके, वुल्फ
और हॉर्सेज यानी घोड़े, हॉर्सेज यानी घोड़े। उसी प्रकार से मैंगो यानी आम, मैंगोज यानी अनेक आम, थिप्स यानी चोर, थिप्स यानी अनेक चोर, ड्रेस यानी पोशाक, ड्रेसेज यानी पोशाके, वुल्फ यानी भेड़िया, वुल्फ्स यानी भेड़िया, हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्सेज यानी घोड़े। उसी प्रकार से राइट द हिंदी मीनिंग्स, हिंदी अर्थ लिखना है, ब्रश स्पेलिंग लिखी है, बुश यानी झाड़ियां, बुश यानी झाड़ियां, कॉल कॉल यानी गाय का बच्चा बछड़ा, टेल टी ए आई एल टेल यानी पूंछ, टेल यानी पूंछ, एस टी यू डी एन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, पांच बी आर ए एन सी एच ई एस ब्रांचेस यानी शाखाएं, शाखाएं होती है खूब सारी, उसको कॉल्स कॉल्स, ये इसका प्लूरल है, एफ हटते क्या लग गया बी ई एफ कॉल्स यानी बछड़े, प्योर पी ओ ई एन पी ई ओ एन प्योर, प्योर यानी चपरासी, टू हैंड्स दो हाथ, वापस बोलेंगे ब्रशेस यानी झाड़ियां, कॉल्स यानी बछड़ा, टेल यानी पूंछ, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, ब्रांचेज यानी शाखाएं, कॉल का प्लूरल है कॉल्स, प्योर चपरासी, टू हैंड्स यानी दो हाथ।